सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। साथियों, अभी हम भी एलनाबाद विधानसभा में कुछ समय लगा के वहां पे आए हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कॉल दे रखी है कि एलनाबाद उपचुनाव में सभी लोग बीजेपी, जेजेपी, हलोपा के कैंडिडेट को छोड़ के और किसी को वोट डाल दें, लेकिन बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के कैंडिडेट को वोट ना डालें। ये बहुत पहले से संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दो तीन चीजें और भी स्पष्ट की कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उस उपचुनाव में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है और ना ही हम किसी को वोट देने की अपील करते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि बीजेपी, जेजेपी, हलोपा के कैंडिडेट को वोट मत दो, इसके अलावा जिसको मन करे उसको दे दो। तो साथियों, हम तमाम वहां के गांवों में घूमे और गांवों में जब हमने पूरा वहां का दौरा किया, लोगों से संवाद किया, जो वहां पे एलनाबाद की अलग से अस्थि कलश यात्रा भी चल रही थी, उस अस्थि कलश यात्रा में भी हम शामिल हुए, तो एक चीज तो क्लियर है कि एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के कैंडिडेट की बहुत बड़ी हार तय है। इनकी इतनी बड़ी और ऐतिहासिक हार होगी कि इनको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इनको अपना छुपने के लिए बिल में भी जगह नहीं मिलने वाली है, ऐसी इनकी वहां पे हालत होने वाली है। ये बीजेपी, जेजेपी, हलोपा के कैंडिडेट तमाम अपने हथकंडे अपना रहे हैं, ये लोगों को नोट के आधार पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, शराब बांटने के ये प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके की गलत और गैरकानूनी चीजें करने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जड़ें वहां से उखड़ चुकी हैं। और ये कितना ही कुछ करके देख ले, इनकी वहां से बहुत बड़ी हार होनी है। और जब हम गांव-गांव में हमने सभाएं की, लोगों से चर्चा की, तो लोगों के मन में एक ये भी लक्ष्य था कि इनको सिर्फ हराएंगे नहीं, इनको हराने के साथ साथ बीजेपी, जेजेपी, हलोपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त करानी है। इस लक्ष्य को लेके वहां पे तमाम किसान संगठन काम कर रहे हैं और हमें जहां तक उम्मीद है वहां का माहौल देखने के बाद, तो इनकी जमानत जब्त होने के पूरे पूरे आसार हैं। ये किसान अपने अपने गांव में ये कसम खा रहे हैं कि बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टियों के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराएंगे। आज भी वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, उसमें हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहां पे पहुंचे और उन्होंने भी ये पक्का अपने मन में धारण कर लिया कि इस पूरे उपचुनाव में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को बुरे तरीके से रगड़ना है। कल भी जब वहां पे उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम थे, तो जो हमारे किसान भाई बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन किसानों के साथ पुलिस ने बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। हमारे एक साथी की तो पगड़ी भी उछाल दी गई। इस तरीके की गलत चीजें की जा रही हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये कितने भी गलत काम कर लें, ये कितने भी नीचे गिर जाएं, ये कितने भी बीजेपी, जेजेपी, हलोपा वाले कितनी भी ये बेशर्मी की हदें पार कर दें, ये कैसा भी हथकंडा अपना लें, अब वहां की जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी, जेजेपी और हलोपा वालों की जमानत जब्त करानी है। और ये बात आज कह रहे हैं, हम वहां पे 25 से 30 गांवों में कम से कम वहां पे गए, लोगों से संवाद करने के बाद जो हमें महसूस हुआ, जो वहां के लोगों ने हमें बताया, जो उनके मन के अंदर की धारणा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो पूर्ण तौर पे किसान आंदोलन के साथ हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कहेगा उस पे हर कीमत पे अमल किया जाएगा। ये वहां के लोगों का विचार बन चुका है। और मैं एक एलनाबाद के तमाम भाइयों से, चाहे वो व्यापारी भाई हो, चाहे किसान भाई हो हमारे या नौजवान भाई हो, सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में जिन 5 किसानों को शहीद किया गया, बीजेपी के जो गृह राज्य मंत्री है उनके बेटे द्वारा अपनी गाड़ियों के टायरों के नीचे रौंद कर, वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के चाचा ताऊ थे, चाहे बात कर लीजिए सरदार नक्षत्र सिंह की, चाहे बात कर लीजिए भाई गुरविंदर सिंह, भाई लवप्रीत सिंह, भाई दलजीत सिंह या रमन कश्यप जी की, ये भी किसी के परिवार के सदस्य थे और ये अपनी कुर्बानी इसलिए देके गए ताकि हमारा और आपका कल का भविष्य सुरक्षित रह सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में, आजाद भारत में सांस ले सकें, इसलिए ये अपनी कुर्बानी देके गए, भारत की आजादी को बचाने के लिए, भारत को कॉरपोरेट के चुंगल से बाहर निकालने के लिए, भारत से तानाशाही और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए इन साथियों ने अपनी कुर्बानी दी, इन साथियों ने संविधान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो
तो एलनाबाद के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, 30 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तो वोट डालने से पहले इन तमाम किसान भाइयों के चेहरों को जरूर याद करना, जो इस आंदोलन में 750 से अधिक हमारे भाई शहीद हो गए उनके चेहरों को जरूर याद करना, उनको भूलना मत और ना ही उनको भूलने देना। ये हमारे और आपके भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी अपना बलिदान देके गए हैं, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 35 साल का, कोई 25 साल का, तो कोई 60 साल का। उनके भी अपने परिवार थे, वो चाहते तो वो भी अपने घरों में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना, उन्होंने इंसाफ का, न्याय का, सच का रास्ता चुना। तो हमारी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये बीजेपी जेजेपी हलोपा वाले अगले 2-3 दिनों में और भी ज्यादा कोशिशें करेंगे शराब बांटने की, पैसा बांटने की, लोगों में जाति और धर्म का जहर घोलने की। लेकिन जाति धर्म शराब की बोतल 2000 के नोट इन सब से ऊपर उठ के आपको किसान बन के, आपको एक ईमानदार व्यक्ति बन के, एक अच्छा भारतीय बन के आपको वोट देना है। वोट आप किसी को देना, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के कैंडिडेट को वोट मत देना, उसके अलावा जिसको मन करे उसको वोट दे देना। हम तो सिर्फ आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। और साथियों एक चीज और है, नौजवानों को भी ये सोचना चाहिए, आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, नौजवान जो डबल मास्टर्स डबल पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए रोजगार नहीं है इस सरकार के पास। ये सरकार वादा करके आई थी कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 7 सालों में 14 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, लेकिन इस सरकार ने 15 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। नए रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, 15 करोड़ रोजगार खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। आप बात कर लीजिए शिक्षा की, आप बात कर लीजिए स्वास्थ्य की, आप बात कर लीजिए व्यापारी भाइयों की। आज व्यापारी भाइयों की क्या दशा हो चुकी है, जिस तरीके से अभी ये पूरे खेती को कॉरपोरेट हाथों में सौंपना चाहती है ये सरकार, और जिसके लिए 3 कानून लेके आई, उसी तरीके से अब बड़ी बड़ी बाहरी कंपनियां आ रही हैं जो यहां के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ करार करके सुपर स्टोर हर जिले में खोलना शुरू कर चुकी है। उन स्टोरों में ये सुई से लेके गाड़ी तक बेचेंगे, और शुरुआत में क्या करेंगे कि बाहर के मुकाबले सामान अपना 2-3 रुपया सस्ता बेचेंगे, और जब धीरे धीरे बाहर के छोटी छोटी दुकानों वाले व्यापारी सारे बर्बाद हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उसके बाद ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, बड़ी बड़ी कंपनियों के सुपर स्टोर अपनी दादागिरी चलाएंगे। तो कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसके अंदर जिंदा जमीर है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहता है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो भारत से प्यार करता है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इंसाफ की बात करता है, जो इंसाफ देने के बारे में सोचता है। तो इसलिए आपसे फिर मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है, इनके तमाम हथकंडों से बचिएगा, शराब की बोतल 2000 के नोट से, जाति और धर्म के जहर से ऊपर उठ के एक किसान बन के, नौजवान बन के, मजदूर बन के, व्यापारी बन के, सच्चा भारतीय बन के, ईमानदार नागरिक बन के, जिम्मेदार नागरिक बन के आप वोट दीजिएगा। बीजेपी जेजेपी हलोपा के कैंडिडेट के अलावा और किसी को वोट दे देना हमें उससे कोई मतलब नहीं है। निवेदन सिर्फ इतना है कि इन किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, भाईचारा विरोधी बीजेपी जेजेपी हलोपा को वोट मत देना। और आप ये चीज देखिए, इसको आप अमानवता, अमानवीयता की भी पराकाष्ठा कहेंगे। कुछ समय पहले तक जो लोग इस पूरे, जो आज कैंडिडेट है जो गोविंद कांडा, उसके भाई के खिलाफ जो आंदोलन लड़ने की बात करते थे जो लोग, आज वही लोग एक दूसरे की गोद में बैठे हैं, वही लोग एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं। कहां गई उनकी इंसानियत, कहां गई उनकी मानवता? एक व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार जैसे संगीन आरोप, जिसके ऊपर बहुत सारे सैकड़ों आरोप गलत चीजें करने के, गैर कानूनी काम करने के, जो लोग आज से कुछ साल पहले उनका विरोध किया करते थे, जो दुष्यंत चौटाला और उनका परिवार हाथ में बैनर लेके गोपाल कांडा का विरोध किया करता था, उसको बलात्कारी बताते थे, आज वही लोग उसको अपना चाचा ताऊ बता रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और अमानवीयता की पराकाष्ठा नहीं हो सकती। आज हमारे देश में राजनीति का सत्र इतना गिरा दिया इन लोगों ने, ये सिर्फ एक ही चीज से लगाव रखते हैं, वो है कुर्सी। ना इनके कोई उसूल है, ना इनके अंदर कोई इंसानियत है, ना इनके अंदर कोई मानवता है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है और कुछ इनको नहीं चाहिए। सारे मूल्य, सारे नैतिक मूल्य, सारे लोकतांत्रिक मूल्य इन्होंने खत्म कर दिए हैं।
कल जो वहां पे रोड शो किया गया मुख्यमंत्री द्वारा दुष्यंत चौटाला द्वारा, उस रोड शो में तमाम बाहर के लोग थे, वहां का लोकल कोई आदमी नहीं, बाहर से लोग लेके जाते हैं, किराए पे ये लोग लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि इनका रोड शो हो गया। लेकिन अब जनता उतनी भोली नहीं बची है, जनता सारी बातें समझती है। जो गाड़ियां थी सारी बाहर की गाड़ियां, लोग सारे बाहर के लोग, एलनाबाद की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार बीजेपी जेजेपी हलोपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराई जाएगी। और यही पूरा किसान समाज आपसे उम्मीद करता है। जो 750 किसान भाई शहीद हुए हैं, यदि आप इन बीजेपी जेजेपी हलोपा वालों की जमानत जब्त करा देंगे तो एक तरीके से ये एलनाबाद विधानसभा की तरफ से उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि होगी। हम आपसे दोबारा ये हाथ जोड़ के अपील करते हैं, उन 750 किसानों की शहादत का सम्मान करते हुए, उनकी शहादत को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जेजेपी हलोपा के कैंडिडेट को वोट बिल्कुल भी मत डालना। उसके अलावा जिसको मन करे उसको वोट डाल देना। और फिर ये क्लियर कर दे, संयुक्त किसान मोर्चा का वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है, ना ही हम किसी को वोट देने की अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।